गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th, सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट लेसन, लेसन 7, एंड द नेम ऑफ द लेसन इज बर्थ। इन दिस लेसन बेटा, देखिए जैसे नाम से ही पता चल रहा है, बर्थ ये एक लिटिल वन के जन्म के बारे में है, छोटे बच्चे के बर्थ के बारे में स्टोरी है। इन दिस लेसन देयर इज मेनली 3 कैरेक्टर्स। वन इज जॉय मॉर्गन, एंड जॉय मॉर्गन वाइफ सुजैन, एंड डॉक्टर एंटनी। मेनली 2 कैरेक्टर्स वर जो मॉर्गन एंड डॉक्टर एंटनी। नाउ जो स्टार्टिंग ऑफ द लेसन, जो मॉर्गन वेट फॉर डॉक्टर एंटनी, ही वेंट टू डॉक्टर एंटनीज हाउस बिकॉज हिज वाइफ हैज फीलिंग लेबर पेन। उसकी वाइफ को लेबर पेन हो रहे थे तो वो डॉक्टर एंड्रयू को बुलाने जाता है। डॉक्टर एंड्रयू वाज अ फेमस डॉक्टर, बट ही रिटर्न बैक अ फ्यू टाइम एगो एंड ही वाज टायर्ड। बट जब जॉन मॉर्गन उसको बताता है माय वाइफ इज इन क्रिटिकल कंडीशन, ही बिकेम रेडी टू गो विद हिम, तो रेडी हो जाता है उसके साथ जाने के लिए। तो वो दोनों अब किसके घर जाते हैं, मॉर्गन के घर चले जाते हैं। नाउ जो मॉर्गन आगे देखिए, एंड्रयू एग्जामिन मिसेस मॉर्गन। वो जब उसके घर जाता है, उसका रूम था जो हिज रूम, हर रूम वाज ऑन द फर्स्ट फ्लोर, एंड देयर वर 2 लेडीज, वन वाइफ एंड मॉर्गन मदर। जो मॉर्गन वाइफ मदर करेंगे बेटा, मॉर्गन की वाइफ की जो मदर थी वो वहां थी। तो 2 लेडीज थी, मिडवाइफ मीन जो दाई होती है, जो जूनियर डॉक्टर भी कह सकते हैं हम उसको, तो वो थी। और जो दूसरी थी मॉर्गन की वाइफ थी जो सुजैन, तो सुजैन की मदर थी वो वहाँ पर थी। तो वो उसको एग्जामिन करता है एंड ही टोल्ड हिम दैट देयर इज सम टाइम, क्योंकि कुछ टाइम लगेगा डिलीवरी में। एट दिस टाइम जो सुजैन की मदर थी वो चाय बनाती है और वो उनके किचन पे जाकर बैठ जाता है बिकॉज इट वाज अ हार्ड कोल्ड, बड़ी ही ज़्यादा ठंड थी। तो वहाँ जाकर वो बैठ जाता है। जब वो चाय पी रहा था, चाय पीते पीते ही लॉस्ट इन हिज इमेजिनेशन, अपनी इमेजिनेशन में खो जाता है। ही हैड अ गर्लफ्रेंड एंड दे हैव अ क्वार्रल, ही हैड अ क्वार्रल विद हिम, हाँ, तो उसका उसके साथ झगड़ा हो गया था, तो अपनी गर्लफ्रेंड की यादों में खोया हुआ था। उस टाइम जो सुजैन की मदर थी, सुजैन मदर टोल्ड हिम दैट हिज फैमिली डिजायर फॉर द बेबी, कि हमारी जो फैमिली है, हमारी फैमिली में कोई बच्चा नहीं है, तो हम डिजायर करते हैं कि हमारे यहाँ एक बच्चा हो। देन शी टोल्ड हिम दैट कि मेरी बेटी बड़ी ही अपने बच्चे के बारे में डरी हुई है, एंड शी डिड नॉट वांट टू टेक क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म होता है जो लेबर पेन देने के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं, क्यों कहती, वो विदाउट क्लोरोफॉर्म के ही बेबी को जन्म देना चाहती है, क्योंकि उसको सुजैन को लगता है कि जो क्लोरोफॉर्म है माइट हार्म द बेबी, कि वो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसीलिए वो क्या करती हैं, कहते हैं कि इसको क्लोरोफॉर्म मत देना, क्योंकि इट मे बी डेंजरस फॉर द चाइल्ड। बट जो डॉक्टर एंड्रयू है, ही टोल्ड हर दैट क्लोरोफॉर्म इज नॉट डेंजरस, कि ये बच्चे के लिए किसी भी तरह से डेंजरस नहीं है, ये सेफ। फाइनली द बेबी टेक्स बर्थ। आफ्टर सम टाइम तो टाइम आ जाता है, बेबी का बर्थ हो जाता है। लेकिन क्या था, जो चाइल्ड था, चाइल्ड डज नॉट क्राई, सेम टू बी लाइफ। जो बच्चा पैदा हुआ उसने, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है वो होते ही क्राई करता है, रोता है, ही डज नॉट क्राई एंड इट ही वाज लाइफलेस, लाइफलेस था, उसमें जान ही नहीं थी। एंड मदर कंडीशन वाज आल्सो क्रिटिकल, मदर की कंडीशन भी कैसी थी, क्रिटिकल थी। नाउ डॉक्टर एंड्रयू वाज इन डिलेमा, डिलेमा मीन्स द्वंद्व में था, तो उसको ये था कि मैं पहले बेबी को सेव करूँ या मदर को सेव। Now he decided that he should save mother, कि मुझे मदर को बचाना चाहिए। तो वो कोशिश करता है, and after some time he became successful.
सेव दी मदर. सुजैन को बचाने में वो सक्सेसफुल हो जाता है. नाउ इट वॉज अ टाइम ऑफ बेबी. अब वो बेबी की तरफ अटेंशन देता है. अब क्या करता है, देखिए एफर्ट्स एंड दी मिराकल. मिराकल तो चमत्कार. एफर्ट्स क्या क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर आस्क्स होल्ड एंड कोल्ड वाटर. जो मिडवाइफ थी उसको कहता है कि मेरे लिए एक बेसिन में कोल्ड वाटर एंड इन अदर बेसिन कोल्ड वाटर लेकर आओ. दो तरह का पानी मिलवा लेता है. अब वो बेबी को एक बार तो कोल्ड वाटर में डिप करता है, सेकेंड टाइम कोल्ड वाटर में डिप करता है. तो वन बाय वन हॉट और कोल्ड में डिप करता है. आफ्टर सम टाइम क्या करता है, रब करता है टॉवल से बहुत बुरी तरह से, बैडली रब करता है. अब देखिए डिप द बेबी एंड प्रेस चेस्ट. उसके चेस्ट को बड़ा जोर जोर से क्या करता है, प्रेस करता है, रब करता है चेस्ट को. आप देखिए धीरे धीरे करके उस बच्चे में लाइफ आनी स्टार्ट हो जाती है. इससे से मिराकल कहा गया कि उसने क्या किया, बच्चे में थोड़ी बहुत कहीं जान थी, उसने बिल्कुल कोल्ड वाटर ले लिया, एक उसने बिल्कुल ही हॉट वाटर ले लिया. कभी हॉट में डिप किया, कभी कोल्ड में डिप किया. फिर उसने उसके चेस्ट को प्रेस किया जितना हो सकता था, इसको टॉवल से रब किया एंड इट्स एफर्ट्स गॉट फ्रूट. यानी फल मिला उसको. इसका क्या मिला, बच्चे ने जान मानी, स्किन उसकी पिंकिश हो गई एंड ही एंड हिज फैमिली जो इसकी फैमिली थी जो मॉर्गन की बिकेम हैप्पी. सब हैप्पी हो जाते हैं बच्चे ने जान देखकर. इस तरह से जो डॉक्टर एंड्रयू है अपनी समझदारी से दो बच्चे एक बच्चे की उसकी मदर की जान को सेव कर लेता है. अब फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन इन हिज माइंड. उसके माइंड में हंसते हुए चेहरे देखकर सुजैन का, सुजैन की मदर का, मॉर्गन का, तो ही वॉज फीलिंग सेटिस्फाइड. दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस लेसन बेटा. यू हैव टू रीड दिस लेसन एट होम. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.